यश बाबू न्यूज, खबरें सुपर फास्ट। यश बाबू न्यूज। गुड़गांव के फरूख नगर में लोडिंग का काम कर रहे 11 मजदूर व 2 छात्र पैदल ही अपने प्रदेश जम्मू के लिए निकल पड़े। रात के समय जब उनको किसी ने घरोंडा पहुंचने पर बताया कि यहां उनके लिए रहने की व्यवस्था हो सकती है, तो वे बेसहारा लोगों के लिए बनाए रैन बसेरे में रुक गए। रैन बसेरा में उन्होंने अपने लिए राशन खुद ही बनाया। इस दौरान कुछ समाज सेवी लोगों और पत्रकारों ने उनकी मदद के लिए घरोंडा SDM गौरव कुमार से बातचीत की, तो गौरव कुमार ने कहा कि मजदूरों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, नियमों को फॉलो करने के बाद इनको भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। तब तक ये रैन बसेरे में रह सकते हैं, इनके खाने रहने का प्रबंध कर दिया जाएगा। उधर प्रवासी मजदूरों ने बताया कि वे लोडिंग का काम करते थे, उन्हें काम करते हुए कुछ ही समय हुआ था कि लॉकडाउन लग गया और उनका कामकाज रुक गया। वे कुछ पैसे घर भेज पाए और उन्होंने कुछ पैसे जेब खर्ची के लिए रख लिए। प्रवासी मजदूरों के इस जत्थे में शामिल 2 छात्रों ने बताया कि वे ओपन स्नातक की तैयारी कर रहे हैं, साथ ही मजदूरी भी करते हैं, उनकी किताबें भी उनके साथ ही हैं। उन्होंने बताया कि फरूख नगर रहते कई बार टोल फ्री नंबर पर फोन किए, लेकिन उनकी मदद के लिए कोई आगे नहीं आया। घरोंडा से सुरेंद्र पांचाल की रिपोर्ट। क्या करें, दिन को बहुत धूप होती है और ना ही कोई गाड़ी का सोर्स है और ना कोई खाने पीने का सोर्स है जी। वो अभी बिस्कुट खा के गुजारा कर रहे हैं, पानी पी के गुजारा कर रहे हैं, चल रहे हैं, ना खाने का है ना कुछ आ जाए, कुछ भी नहीं है, इसलिए हम चल रहे हैं। रात को ऐसा है कि सर ठंड तो मतलब धूप तो नहीं है ना, इसलिए पैदल चल रहे हैं। सर उधर नहीं थी कोई व्यवस्था, मैंने बहुत कनेक्ट किया, कमिश्नर ऑफिस भी किया और मैंने SDM सर को भी किया, मतलब जिसको कॉल किया तो एक दूसरे का नंबर दे दे के डाल देते थे, किसी से डायरेक्ट बात नहीं हुई किसी ऑफिसर से। क्या करें, उधर ना ही हमारे पास किराया, हम अपने रूम रेंट पे लिए थे हमने जी, ना हमारे पास कोई किराया। अब मकान मालिक को हम कहाँ से दें पैसे, वो सोर्स नहीं है। मैं तो स्टूडेंट हूँ, बाकी लेबर के बंदे हैं, जो था खा लिया। अभी 23 मार्च से लॉकडाउन चल रहा है तो काम बंद है, अब से जो था हमने खा लिया सब कुछ, तो अभी कुछ नहीं बचा, किसी और 200-400 जी बचा तो चलो खड़ा हो गया, इसलिए सर मजबूर हो गया, निकलना पड़ता। उधर भूखा मरने से अच्छा है कि रास्ते में चलते रहें, कहीं कुछ तो कुछ कोई तो सोचेगा। आपके पास कोई पैसा नहीं अभी? कहाँ है सर, पैसा होता तो फिर हम कोई स्पेशल गाड़ी करके जाते। यश बाबू न्यूज़, खबरें सुपर फास्ट। यश बाबू न्यूज़।